स्वागत है आपका अकोला 24 न्यूज़ में। और दोस्तों, मैं हूं असगर खान, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक खास मुलाकात। खास मुलाकात में दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शहर की एक मशहूर और मारूफ हस्ती जिसने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं अकोला शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी साहब से। सर, स्वागत है आपका अकोला 24 न्यूज़। मैं पहले तो हमारे मुख्य संपादक इमरान भाई को मुबारकबाद देता हूँ अकोला 24 न्यूज़ पे कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। अकोला शहर ने अकोले ज़िले में माशाल्लाह काफ़ी नाम है और इस चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनके ज़रिए जो लोगों को सुविधा या जो समस्या दूर होती है। इमरान भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये चैनल के माध्यम से लोगों को न्याय मिल रहा है। सर, आप जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष चुने गए, तो आखिर इसकी क्या वजह रही कि आप ही को पार्टी ने चुना? ये तो अकोला शहर के लोगों का प्रेम है जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। मेरा हमेशा जनता के हित में ही, मैंने अभी तक जितनी पदे ली है लोगों के लिए ही काम किया है, शायद मेरा काम पार्टी को पसंद आया होगा। सर, हम पद की बात निकली है तो आप जो है पिछले समय में महानगरपालिका में उप महापौर भी रह चुके हैं, तो उस कार्यकाल में अपने शहर के लिए या अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम किए? पहले तो मैं खदान की जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से बंदे को उन्होंने चुन के इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठाया। मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। शायद आपको मालूम होगा कि खदान पहले क्या थी 2007 के, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, वहाँ के लोगों को आप कभी जाके पूछ लेना कि आज क्या है। ये तो उनका प्रेम है और मेरा कर्तव्य था, वो मैंने, मेरा फर्ज था, मैंने निभाया। सर, आने वाले वक्त में भी जो है तो इलेक्शन का माहौल है, तो आप किस इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, महानगर पालिका का लड़ना चाहेंगे या उससे बड़ा आमदार का इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे? ये तो आपके माध्यम से जनता जहाँ पहुँचाएंगी वहाँ चले जाएंगे। सपने तो आदमी हर कोई देखता है, लेकिन मैं वो सपने देखता हूँ कि मैं किसी के काम आ जाऊँ। मैं 2007 में महानगर पालिका में पहला चुनाव में चेयरमैन बना, लोगों ने मेरा काम देखा। उसके बाद में उपापौर बना, वो भी मेरा काम देखा। मैं उसके बाद इलेक्शन हारा, वो भी मेरा काम लोग देख रहे हैं। आज मैं पार्टी की जवाबदारी संभाल रहा हूँ, वो भी मेरे लोग देख रहे हैं। मैं सभी जाति के सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का काम करता हूँ। मेरा असल मकसद है कि जो लोग राजनीति अपनी एक अलग लेवल से करते हैं, मेरी अलग लेवल है। मैं जनता के, मैं चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढूँ, उनको न्याय दिलाऊँ, उनके साथ में रह के कुछ कोशिश करूँ, जितना हो सके उनके साथ न्याय होना चाहिए। आज के शहर की हालत आप देख रहे हैं कि मतलब परस्त के हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, अपना एक उल्लू सीधा करने के हिसाब से करते हैं, निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। तो मैं उस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहता। मैं लोगों के दिलों में राज करना चाहता हूँ, लोगों को न्याय दिलाना चाहता हूँ, लोगों के हित के लिए लड़ना चाहता हूँ। यही मेरा पहला कर्तव्य है। और जो जो लोग, आप जानते होंगे कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं तो शायद मेरी एक अच्छाई की वजह से। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी भी, शरद पवार साहब के जो विचार है, कांग्रेस शिवसेना के जो विचार है, आज की समस्या जो माहौल चल रहा है, तो जनता भी त्रस्त हो गई महंगाई से लेके जातिवाद से, हर मुद्दों को अपने एक अलग मूड पे ले जाने के काम से। कुछ लोग जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया वो अपने आप को बताना चाहते कि हम देश के मालिक हैं। 70 साल से जो बीज बोए हुए हैं उसको आप फल रख रहे, अगर कोई आके वो फल को तोड़ के झाड़ को काटने की कोशिश करेगा तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, महंगाई का मुद्दा जहाँ निकला है अभी, तो फिलहाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने गैस की कीमतों को कम किया है, तकरीबन 300 रुपये कम किया है और सब्सिडी भी दी है उसके बाद में, तो काफ़ी कोशिश हो रही है मेरे हिसाब से गैस में भी लोगों को महंगाई कम करने की सरकार की। ये इनके आज समझ में क्यों आया? जनता तो पहले से चाहती है ना कि महंगाई कम हो, ये सिर्फ कुछ इलेक्शन पुरता इन्होंने महंगाई कम किए। बाद में जनता को मालूम होना पूरा इलेक्शन का सारा खर्चा ये हमसे ही निकालने वाले हैं। ये सिर्फ एक दिखावे की पॉलिसी है, ये लोगों को न्याय की बात नहीं है, ये जनता भी जानती है। आपने पार्टी की जिम्मेदारी की अभी बात कही, आपकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है इसके दो हिस्से हो चुके हैं, एक हिस्सा जो है तो अजीत पवार साहब के पास है, एक हिस्सा जो है तो शरद पवार साहब के पास,
तो जाहिर बात है कि पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई, तो इसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए या इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? हम तो क्या है, आदरणीय शरद पवार साहब जो है वो सुप्रीमो है, वो सब कुछ है, जिन्होंने जितने भी लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, जो लोग उनके भरोसे बने बड़े हुए, अभी मठ मोटा हो उनका ऊपर की लेवल की बात है, लेकिन पवार साहब जो है वो पावर ही है जी। वो जब चाहे, जिनके जो दिलों पे राज करने वाले लोग हैं ये, वो जो दिलों में उतरने वाले काम करते हैं, इनको ज़रूरत नहीं है किसी को आश्वासन देने की या जोड़ने की, ये लोगों के खुद समझ में आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बनने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन वो भूल जाता कि गुरु गुरु ही होता है, उनका मान सम्मान वो अलग ही रहता है, और जनता हमेशा एग्रेसिव रहती है, जनता को सब मालूम है, जनता सब समझती है। पवार साहब है, रहेंगे और वो कायम है, ये बदलती दुनिया है, चलते रहती। इसके पहले भी इनके साथ कई बार ऐसा हुआ और उतनी ताकत से पार्टी बढ़ी, ये बड़े लेवल की बात है, ये बात अलग है, हम बहुत छोटे से नुमाइंदे हैं, लेकिन पवार साहब पवार साहब हैं। यानी 5 साल का आपका एक बड़ा वक्त रहा जो आप वार्ड मेंबर नहीं रहे, 5 साल के बाद अगर आप दोबारा अपने जब वार्ड में जाएंगे तो किस बिना पर लोग आपको वोट दें, आपके पास उसकी क्या प्लानिंग है? नहीं, मेरे को वार्ड में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं 24 घंटे ही वार्ड में रहता हूँ। आप लोगों से पूछ लो कि मैं जितना पद पे महानगर सेवक नगर सेवक बनने के बाद नहीं रहा, उससे ज़्यादा आज मेरे कैसा है। वहाँ पर एक बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि स्लम एरिया है, छोटी मोटी बातें होती रहती, मैं खुद उस बस्ती का एक हिस्सा हूँ, मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ। वहाँ पर हमारी जिला परिषद की महानगर पालिका की एक प्राइवेट स्कूल भी है, तो मेरे को पहले से ही शौक है, वहाँ गरीब बच्चों की शादियाँ है, दुख सुख है, समस्या है, मैं नगर सेवक रहूँगा, काम करूँगा, ऐसी ज़रूरत नहीं मेरी, मैं हमेशा कायम रहता हूँ। मैं जो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, वहाँ घर में जाके पूछना कि रफीक सिद्दीकी दिन में कितने बार आते, कहाँ रहते, मेरा ऑफिस भी है वहाँ जी, तो वो एक मेरा परिवार है, वो परिवार है, वो परिवार को मैं कोई भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। आप समझ सकते होंगे कि कोई अपने परिवार से दूर नहीं हो सकता, तो वहाँ जब मैं पैदा हुआ, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बस्ती वहाँ है, तो मैं रहूँ तो भी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नगर सेवक नहीं भी रहूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रेम जो उनके मेरे आपस का, वो इतना गहरा है कि वहाँ, जैसे आप मानते होंगे कि हमारे बहुत सारे सभी हिंदू मुस्लिम भाई है, सभी से प्रेम है वहाँ पर, जैसे शमशान भूमि है, कब्रस्तान है, ईदगाह है, बहुत सारी समस्या है, ये खिदमत ऊपर वाला ले रहा, हम लोग कर रहे जी। आपने अभी स्कूलों की और शिक्षा की बात की, तो शिक्षा को लेके आपका क्या योगदान रहा अपने इलाके में? शिक्षा को लेके हमेशा आप महानगर पालिका जिला परिषद के जितने भी स्कूलें हैं, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि वो आदर्श कॉलोनी में स्कूल थी जी। मैं जिस दिन पहली बार चुन के आया, तो मेरा सपना यही था कि हम लोग बहुत भटके हुए रहे एजुकेशन के ताल्लुक से, और बहुत पीछे रहा हमारा इलाका, तो शुरू से मेरा हमेशा एजुकेशन पे ख्याल रहा, और इतना ख्याल रहा कि मैं दिन में मेरे एक राउंड कंपलसरी स्कूल में रहता, या एक दो दिन आठ, जितने टीचर है संपर्क में रहते, जितने पेरेंट्स है मेरे संपर्क में रहते, हर अक्सर कर मैं साल के जो कारमल में बड़े बड़े स्कूलों में प्रोग्राम नहीं होते होंगे, मैं वहाँ के लोगों को जितने भी सलाह मेरी कि हमारे स्कूल की छोटी जिला परिषद हो या महानगर पालिका हो, वो एहसास नहीं दिलाना चाहता कि यहाँ बड़े से बड़ा गैदरिंग हम प्रोग्राम रखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, उनको एहसास नहीं होने देते, हम अपने बल पे बालवाड़ा चलाते हैं, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है, वो हम नर्सरी वगैरह जो बच्चों को अच्छे से अच्छे ड्रेस मिले, ये मेरा पहले से सपना है कि कोई भी बच्चा किसी भी समाज का, वो अनपढ़ ना रहे, किसी का मोहताज ना रहे, वो अच्छी तालीम करे। आज आप लोग जानते होंगे कि पहले हमारे समाज में बच्चियां लड़कियां स्कूल नहीं पढ़ती थी, आज सबसे टॉपर है, और आपको बताऊंगा कि खदान पे सबसे ज़्यादा लड़कियां का रुझान है एजुकेशन में, और मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख के कोई भी फैमिली अनाड़ी ना रहे। कई एक दौर था कि पत्र आता था जी, तो पढ़ने वाला नहीं था, पोस्टमैन को पढ़ाया जाता था, आज शायद हमारी अल्लाह ने वो मेहनत को कबूल किया कि अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बच्चा हर घर में पढ़ा लिखा है। अकोला शहर के विकास को लेकर आपकी क्या राय है? अकोला शहर का हमेशा दुर्भाग्य रहा कि ऊपर के जो बड़े नेतागण हैं, मैं तो उनको ही दोष दूंगा कि इनको एक अच्छी संधि मिली,
बड़े नेतागण हैं, शहर पे पूरा ख्याल देना चाहिए था। 20-25 साल से बीजेपी की सरकार है, हमेशा एक दोष देते थे कि आमदार खासदार बीजेपी का है लेकिन सत्ता ऊपर हमारी नहीं है। तो 10 साल से तो हम देख रहे हैं कि सत्ता भी उनकी है, आमदार भी उनके है, नगर सेवक भी उनका है, महानगर पालिका भी, तो विकास शहर का क्यों रुक रहा? कहीं ना कहीं बड़े नेता कमज़ोर है, वो लोग चाहते नहीं हैं कि अकोला शहर के जो समझदार गरीब तबके के लोग ज़्यादा है, सलम एरिया बस्तियाँ बहुत है, तो ये हमेशा गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, उनसे सिर्फ अपना मत लेते हैं लेकिन उनको सुविधा देना पहुँचाना नहीं चाहते। तो ये काम अगर किसी ने किया है तो आप इतिहास उठा के देखो, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही किया है। वो गरीबों के दिलों को जानती है, वो किसी का खून नहीं चूसती, वो अपना खून देने की ताकत रखती है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप समझो कि 25-30 साल से आपको क्या मिला, क्या हमेशा इसी तरीके से अकोला शहर भटकता रहेगा? दुर्भाग्य की बात है अकोला की कि अकोला शहर का नाम बम्बई में कहीं भी लिया जाता है तो सबसे हटके होता है, एकदम अधिकारी हो या नेतागण हो या मंत्री महोदय हो तो वो एकदम ऐसा अछूत जैसा देखते हैं। तो इसकी क्या वजह रही सर? उसकी वजह ये है कि हमारे नेता सक्षम नहीं है, आपस में सिर्फ तकरारियाँ लड़ने की बात करते हैं, विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है, कोई अच्छी फाइल लेके नहीं जाता है, कोई अधिकारी वर्गों को सहयोग नहीं करता है, अच्छे अच्छे अधिकारी आए अच्छा काम करने की कोशिश करे, अधिकारी से तो काम लेना पड़ता ना। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम अधिकारियों का फायदा नहीं उठा रहे हैं, जिसकी वजह से अकोला शहर का देखते होंगे अभी एक बढ़िया प्रोग्राम हुआ, अभी ब्रिज वगैरह बने हमारे वहाँ, 6 महीने में वो ब्रिज की हालत क्या है? अकोला शहर के रास्ते देखते होंगे आप, सबसे दुर्भाग्य की बात है 40 करोड़ रुपये खर्चा हो गया महानगर पालिका, जनता का पैसा है, सारे रोड उखड़ गए। फिर भी सर कहीं ना कहीं अपोजिशन कमज़ोर रहा कि उतनी ताकत से उस मुद्दों को उठाया नहीं गया, जिस तरीके से ये हादसा हुआ कहीं ना कहीं अपोजिशन की भी कमजोरी रही इसको लेकर। इसमें कोई दो मत नहीं है, अपोजिशन अपना काम करता है, वो ताकत से करता है, लेकिन सरकार है सब इनके हाथ में है, तो ये आवाज़ हम लोग उठाते हैं लेकिन उसको फॉलो करना आखिर आप समझ सकते हैं जी। तो अब तो क्या होगा, जनता को जागरूक होना है, रोड पर आना है जी। तो इंशाल्लाह अभी आने वाले समय में जनता को हम सामने लाएंगे, हमारी बात मनाने की कोशिश करें। आपने बताया कि यहाँ पर सत्ता जो है तो बीजेपी की रही है, उसके कारण विकास में काफ़ी रुकावट रही, पर इससे पहले सर राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी अकोला में सत्ता रही, तो उस समय अकोले का विकास क्यों नहीं हो पाया? आप एक बात बताओ, जब भी सत्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस की यहाँ पर आई, वंचित अघाड़ी की, हम सब मिल के सत्ता बनाए, पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बनाई, हमने कभी किसी नगर सेवा किसी जनता के साथ मतभेद नहीं किया, हमने सबको सरी का न्याय दिया। आप जब से देख रहे होंगे बीजेपी की सत्ता आई तो विरोधियों के साथ इन्होंने अन्याय किया, निधि वाटअप करते समय में भी इन्होंने कभी किसी प्रकार का पूरी तरीके से उनको सहयोग नहीं किया, आप अपने नगर सेवक से पूछ सकते किसी भी। तो ये हमारे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने न्याय यही बोले कि भाई जनता है, जनता सबके लिए है, तो हमने जब भी कुर्सी पे बैठे तो सबको न्याय दिया। विकास जो है हमारा जितना नहीं दिया, जितनी ताकत से हम लोगों ने काम किया, लोगों तक पहुँचे, लोगों की समस्या सुने, आज आप बताओ ये लोगों का कौन सा काम करे, कौन सी समस्या सुन रहे, इनको दिल्ली से बम्बई तक सारी सत्ता है, महाराष्ट्र में इनकी है लोकल तक, विकास तो बहुत ताकत से होना चाहिए। आज भी हमको बीजेपी के लोग याद करते हैं क्योंकि हमने हमेशा सबको एक नज़र से देखा, इनकी नज़रिए बदल गई। फिर भी हमारे शहर में आप देखेंगे सर के बेसिक सहूलत जिसे हम कहेंगे, जैसे कि रोज़ाना पानी का मिलना, चाहे वो आज बीजेपी की सरकार हो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस की रहो, हमारे शहर में एयरपोर्ट का मुद्दा रहा है और भी काफ़ी समस्या है, तो इस पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पिछले दिनों में क्यों नहीं ध्यान दी, इस चीज़ों की लोगों की सहूलत पहुँचाने का काम क्यों नहीं किया गया? नहीं, आपका मुद्दा बराबर है, पानी की जो समस्या है वो अकोला शहर में एक महान जो डैम है, हमको अभी जनता का ज़्यादा बोझ बढ़ने से, पहले आबादी कम थी जी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये जो काम बहुत पहले होना चाहिए था और करना चालू था, शासन का काम जो है वो करते ही हमने हमारे लेवल पे ऊपर लेवल पे जो भेजना था पाठ पूरा करना, वो बिल्कुल पहले से करते आ रहे, और उस नियोजन का ही ये नियोजन हो रहा जी, इन्होंने पर्सनल नहीं किया कुछ जी।
आप देख रहे होंगे कि हमारे समय में सत्ता में जो रोड नाली रास्ते बने, आप कभी मेरे बोलने से नहीं जाके देखना, कभी कोई रोड रास्ते नाली उखड़े क्या? इनका साल भर के बाद देखो आप, इनका विकास देखो ना। जी, हमने कुछ काम छूट भी गए तो हमने कभी उसको तकलीफ देके किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला काम नहीं किए, लेकिन इन्होंने विकास के मुद्दे पे करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के सत्यानाश करे ना। आप देखो कोई भी रोड अगर अच्छा होगा तो मेरे को वापस बुलाना आपके चैनल में, मैं आके आपके ये करूँगा। एक भी रास्ता, एक भी रोड अच्छा नहीं है। यही होता है सर, देखा जाता है कि जब इलेक्शन आता है लोग धर्म के नाम पर और जातिवाद के नाम पर एक तरफा वोटिंग करते हैं, तो इन लोगों को क्या मैसेज देंगे या इनको सही तरीके से रास्ता बताने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है या आपकी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं? आपने अच्छी बात कही कि जातिवाद जाति धर्म के नाम से वोट का बंटवारा होता है, तो मैं यही अपील करूँगा कि आपने देखा है अभी बाहर, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, देश की दंगाई की बात नहीं करता, अकोला शहर में जो घटना घटी उसकी बात करता हूँ, कि किसी बड़े नेता का, किसी बड़े पैसे वाले का लड़का झगड़े करने गया, किसी ने आवाज़ ऐसी उठाई, तो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि इनकी बातों में ना आए, जातिवाद मतभेद ये विषय को लेके देश का सत्यानाश ना करे। हमेशा एक चीज़ ख्याल रखे कि हिंदुस्तान जो है हमारी सोने की चिड़िया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, देश के लिए हर जाति के लोगों ने कुर्बानी दी। हम ये सोच के चले कि हमारे सभी समाज को एक हित बना के, एक एकता बना के लेके चलने वाला नेता, सक्षम नेता चुने, ताकि वो किसी मतभेद और जातिवाद पे ना जाए, और हमारे बच्चे आने वाली जो नस्लें हैं वो जो सत्यानाश बच्चों का करना चाहते हैं जातिवाद में, दंगाओं में फंसा के, तो मैं माँ बाप से एक अपील करूँगा कि आप अपने बच्चों पर ख्याल दें कि इसमें नुकसान किसका हो रहा, इसमें किसी बड़े का नुकसान नहीं हो रहा। जज्बात जुनून अगर वो किसी को दिलाते हैं तो वो जो ईमानदार सच्चे लोग हैं, वो कट्टरता जैसा वो जो मानने वाले लोग हैं, सादे लोग हैं, उनको जोश लाके ये अपना काम निकालते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज उनके बच्चों का भविष्य खलास हो गया, ना नौकरी लग सकती ना कुछ। आप देख रहे होंगे कि प्राइवेटाइजेशन कर लिया अभी इन्होंने, ये कितना बड़ा मुद्दा है। लोग लाखों रुपये खर्चा करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और ये उन जवान बच्चों का हक और अधिकार छीनना चाहते हैं, तो मैं इस चीज़ का निषेध करूँगा इस सरकार से कि इस देश का जो संविधान है, इस देश जिस तरीके से चलता है वो कायम रहना चाहिए। आने वाले समय में सर 2024 में जो है तो बड़ा इलेक्शन है, तो आप इस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं या आपकी पार्टी के लिए क्या तैयारी है, इस इलेक्शन को किस तरीके से आप जो है तो मोटिवेट करेंगे? हमारी पार्टी की तैयारी यही है कि जनता जागरूक हो गई, लोगों ने एक चीज़ करके भी देख लिया कि कौन कितना अच्छा काम कर सकता है, एक मौका इनको देखे दिया। आप देख रहे होंगे कि जो सिलेंडर 500 रुपए था, जो पेट्रोल 70 रुपए 30 रुपए था, 40 50 बढ़ते बढ़ते 30 35 60 रुपए तक आ गया, आज 100 रुपए है। गैस की कीमत आप समझ रहे होंगे कि क्या थी, महिलाओं को कितनी सब्जी, आप सब्जियों के भाव देखो आसमान छू रहे हैं, घर गृहस्थी लोगों की कैसी चलेंगी, रेलवे के किराए सब प्राइवेटाइजेशन में जा रहा, तो इसका बोझ तो पूरी जनता पे जा रहा ना। तो लोग अब जागरूक हो गए, लोगों के समझ में आ गए। आप देख रहे होंगे ये कितना भी कर ले, ये अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम नहीं हो रहा। सर देखा गया है कि पिछले कई बार राष्ट्रवादी की संख्या जो है तो शहर में सरकार बनाने में जो है तो बड़ी कम सीटें रही है, अब आपके ऊपर जो है तो पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है महानगर अध्यक्ष की और आपकी अध्यक्षता में जो है तो शहर के चुनाव होंगे, तो पार्टी की संख्या बढ़ाने के लिए आपके पास में क्या प्लानिंग रहेगी, कि संख्या बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? आप पूछ रहे महानगर पालिका का? जी, इसके पहले भी हमारे जितने भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय रहे राष्ट्रवादी का, आपने देखा होगा कि सेकंड नंबर पर भी सबसे ज़्यादा वोट राष्ट्रवादी को मिले हुए हैं महानगर पालिका के चुनाव में। जितनी भी सत्ताधारी सीटें आई सब पार्टियों को मिला के सेकंड नंबर पर राष्ट्रवादी रही, कहीं कहीं वोटें ज़्यादा है कुछ कारण से आगे पीछे हो गया, लेकिन आने वाले समय में पिछले बार युति नहीं थी उसका भी थोड़ा सा खामियाजा भरना पड़ा,
और कुछ हवाएं, कुछ लहरें खोटी चलने की वजह से रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन निश्चित ही ये बारी में अकोला शहर में अघाड़ी की सत्ता आएंगी। ये जनता से, जनता पे हमें विश्वास है, जनता से अपील भी करेंगे। आज देख रहे हैं शहर के हालात अकोला की, तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारी सरकार आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम लोग पूरी ताकत से काम भी कर रहे हैं और जनता पे हमें विश्वास भी है, वैसे सक्षम लोग हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आने वाले समय में विधानसभा के भी इलेक्शन है, लोकसभा और लोकसभा के भी इलेक्शन है, तो अकोला में विधानसभा के इलेक्शन में क्या आपकी पार्टी से कोई आमदार खड़ा रहेगा या कोई खासदार खड़ा रहेगा? ये तो मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये अघाड़ी का मसला है। तीनों पार्टियां पूरे महाराष्ट्र इंडिया लेवल पे जो निर्णय लेंगे, लेकिन निश्चित ही यहाँ से अघाड़ी का आमदार भी होगा, खासदार भी होगा। अगर यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस से किसी को खड़ा किया जाए तो कौन सी शख्सियत होंगी? ये अभी कुछ तय नहीं कर सकते। अघाड़ी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा तो तीनों पार्टी ताकत से उनको चुन के लाएंगी, जनता उसके साथ। आने वाली 12 तारीख को आगमानी जो है तो शरद पवार जी आगमन कर रहे हैं अकोला में, तो इनकी इसकी क्या तैयारी है और किस क्या वजह है सर के यहाँ अकोला शहर आने की? पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अकोला की जनता की तरफ से हम स्वागत करते हैं। हम खुश नसीब है कि हमारे सीनियर नेता अकोला में कदम रख रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से आदरणीय शरद चरण पवार साहब, उनका तो पूरा देश मानता, उनके विचार और उनकी सभ्यता ये बहुत बड़ी बात है, आदरणीय है। वो अकोला शहर के तमाम जनता को मैं अपील करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय नेता शरद चंद्र पवार साहब जो अकोला शहर में आ रहे हैं, वो एक बैंक के ओपनिंग के हिसाब से आ रहे हैं, शताब्दी के अन्ना साहब को रुपये की, तो अपील करूंगा कि सब लोग एकजुट होकर वहाँ आए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए दे दी, हमारे लिए दे दी। ऐसे नेता को कम से कम हम लोगों ने सलाम करना चाहिए, उनको क्या कमी है सर जी। वो बाकी जैसे नेता को 50 लाख का सूट, करोड़ों की 100 हज़ार रुपए का हेलीकॉप्टर, जहाज लेके घूम रहे, एक साधारण आदमी है, इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी तकलीफ होने के बाद वो हमारे लिए, न्याय के लिए लड़ते रहते हैं हमेशा, लोगों को न्याय दिलाते। उनके पास में कोई जातिवाद या मतभेद नहीं है, वो सभी समाज को लेकर चलते हैं। ऐसे नेता हमारे अकोला शहर में आ रहे हैं, मैं जनता को अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे नेता का हौसला रखना, बढ़ाना चाहिए हमने। आज उनकी एज इतनी होने के बाद भी वो सिर्फ न्याय मांगने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं सबसे अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वहाँ पहुँचे और अकोला शहर की तरफ से आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब अकोला में आ रहे हैं, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। रफीक सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अपनी बात को अपने अंदाज में हमारे सामने रखी है, फिर करते अगली मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ।